महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक गांव में जब भूस्खलन हुआ उसके बाद अब राहत और बचाव का काम सुबह होते ही एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ के जवान और दूसरी कई एजेंसियां यहां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आज सुबह से मलबा यहां पर हटा रही है क्योंकि पहाड़ी पर जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए मैन्युअली ही यहां पर जो मलबा हटाने का काम है वो किया जा रहा है। बुधवार रात रायगढ़ का ईर्शालवाड़ी गांव भूस्खलन के बाद मलबे में दब गया था और इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं और आसपास के कई इलाकों में मातम का माहौल है। हमारे सहयोगी सोहित ने वहां पर जायजा लिया, वो बता रहे हैं वहां के हालात के बारे में। रायगढ़ में हुए भूस्खलन के 30 घंटे बाद भी जहां पर राहत और बचाव का काम जारी है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि जो यहां पर वर्कफोर्स है वो किस तरह से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऊपर जा रहा है और इसी तरह से यही एक रास्ता है रेस्क्यू ऑपरेशन करने का। जो मशीनरी है वो यही है और इसी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर काम किया जा रहा है। जो गाड़ी है वो इसके आगे नहीं जा सकती है और यहाँ से आपको जो पहाड़ पर जाने का रास्ता है वो नजर आएगा और यहीं से उन्हें पैदल चलकर जाना है और इन लोगों को इस तरह से करीबन 1.5 घंटे तक ऊपर पहुंचना होगा, जिसके बाद वो वहां से अपने कामकाज या जो राहत और बचाव का काम करना है वो उसे करेंगे। बीच बीच में भारी बारिश हो रही है, जो रास्ता है वो कीचड़ से भरा हुआ है, फिसलन का डर है, पहाड़ जो है वो पहाड़ पूरा पार करना है, तो इस तरह के अलग अलग जो परेशानियां हैं वो बरकरार हैं। और दूसरे दिन भी राहत और बचाव के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक कर लोग जा रहे हैं। एक पूरा गांव मिट्टी में दब गया है, कई लोग अब भी लापता हैं जिनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। भारी बारिश और बाकी परेशानियों ने भी इनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं और इस सब के बीच में जो वर्कफोर्स है वो किस तरह से अब भी राहत और बचाव का काम कर रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। देखना यह होगा कि ऊपर पहुंचने में कितना समय लगता है, पहुंचने के बाद काम शुरू करने में कितना समय लगता है और अगर किसी को रेस्क्यू भी किया जाता है तो फिर से किसी रास्ते से उन्हें वापस लाना है। ये गाड़ी का आखिरी स्टॉप यहीं पर है और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ और बाकी चीजें हैं। इन्हीं चीजों के बीच में जो लोग हैं वो राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।